मुकाबले के पांचवें और अंतिम दिन गुजरात की टीम ने मौजूदा विजेता मुंबई को 5 विकेट से शिकस्त देते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। 66 साल बाद फाइनल में पहुंची गुजरात टीम की जीत में कप्तान पार्थिव पटेल का अहम रोल रहा। पार्थिव की 143 रन की शतकीय पारी की बदौलत गुजरात ने 312 रन के लक्ष्य को 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पार्थिव पटेल ने 196 गेंदों पर 24 चौकों की मदद से 143 रन बनाए, जबकि मनप्रीत जुनेजा ने 54 रन बनाए। इसके साथ ही रुजूल भट्ट 27 रन और चिराग गांधी 11 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी शतकीय पारी से टीम की जीत में अहम रोल अदा करने वाले पार्थिव पटेल को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। वहीं 41 बार की चैंपियन मुंबई पहली पारी में 228 पर ढेर हो गई। इसके बाद गुजरात ने 328 रन बनाकर 100 रनों की बढ़त ले ली। वहीं दूसरी पारी में गुजरात को जीत के लिए 312 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने 5 विकेट पर 313 रन बनाकर हासिल कर लिया। तो 41 बार की चैंपियन मुंबई को गुजरात ने शिकस्त देते हुए रणजी ट्रॉफी अपने नाम की और 66 साल बाद पहली बार गुजरात ने ट्रॉफी जीती है। तो लंबे इंतजार के बाद गुजरात की झोली में रणजी ट्रॉफी खिताब आया है। देखते रहिए डीबी लाइव।